सो दोस्तों वो कहते हैं ना, अगर इस किस्म किसी लेजेंडरी को केस ना करे वो केस करने से रह जाए तो दुख होता है, बट वही एपिसोड में अगर गो की बेइज्जती हो और गो भी लेजेंडरी को केस ना कर पाए तो दिल से खुशी होती है। सो हे गाइस वेलकम बैक, एंड दोस्तों मैंने शायरी बोली है, लाइक कर दो प्लीज़, लाइक कर दो लाइक। सो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि एस जो है मोल्टेस को आराम से केस कर सकता था, बिना कोई एफर्ट के बिना कोई मेहनत के बिल्कुल चुटकी बजाते वो केस कर लेता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों, क्या, कैसे वो उसके पास मोल्टेस सकता था बिल्कुल आराम से, आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे और देखेंगे क्यों यार इन्फिनिटी की जगह इसको चाहिए को सिलेक्ट करना चाहिए था। सो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली इसकी मिस्टेक इस एपिसोड में ये थी कि उसने मोल्टेस को वीक समझा और उसने इन्फिनिटी को सिलेक्ट कर लिया। यस, इन्फिनिटी बेस्ट ऑप्शन था इसको पोकेमॉन चूज करने के लिए, बिकॉज वहां का इन्फिनिटी तीसरा या दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा, बट यार इन्फिनिटी की ब्लेजिबिलिटी बहुत दिनों से ऑन नहीं हुई थी, उसको गुस्सा भी नहीं आ रहा था, इसी कारण की वजह से एस मोल्टेस को केस नहीं कर पाया, तो यार काफी बुरा लगा मुझे। और दोस्तों अगर उसी एपिसोड में इन्फर्नेव की ब्लेजेबिलिटी ऑन हो जाती तो मोल्टेस क्या कितने भी लेजेंड जाता थे, इन्फर्नेव उसको आराम से हरा ही देता। बट एस ने हम सबको साबित कर दिया कि वो हमको डिसअपॉइंट करेगा, मतलब करेगा। सच में काफी ज्यादा मुझे दुख हुआ, दिल से बुरा लगा कि इन्फर्नेव ने कुछ भी खास नहीं किया मैच में, पर मैच काफी कमाल का था, बट अगर इन्फर्नेव ब्लेजेबिलिटी ऑन कर लेता तो वो आराम से जीत जाता दोस्तों। बट अगर वो इन्फर्नेव की जगह चाइल्ड को सिलेक्ट करता या फिर टेलोन फ्लेम को सिलेक्ट करता तो वो आराम से जीत जाता। पहले हम लोग बात करते हैं टेलोन फ्लेम के बारे में। तो दोस्तों देखो टेलोन फ्लेम ही क्यों, पहली बात है टेलोन फ्लेम ने पहले भी मोल्टेस से मुकाबला किया है, उसको पता है कि मोल्टेस को कैसे हैंडल करना है, मोल्टेस से कैसे मुकाबला करना है। एक बार वो हारा हुआ है तो उसको गुस्से का बदला है, उसको पता है कि मोल्टेस को मैं कैसे हराऊंगा, उसके बाद बदलेगी आगे, और ऊपर से वो फ्लाइंग टाइप भी है, क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि मोल्टेस जो है मैच के बीच में ही भाग गया था, उड़ गया था, गायब हो गया था, तो उसको पकड़ने के लिए एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन की जरूरत थी। और उस दौरान यार गो, गैरी और एस के पास, तीनों के पास फ्लाइंग टाइप पोकेमोन नहीं था, तो अगर यार टेलोन फ्लेम होता तो वो मोल्टेस का पीछा करता, उसके ऊपर अटैक करता, वो आराम से मोल्टेस को हरा देता, हमको देखने को मिल जाता एस का मोल्टेस, जो कि सच में काफी अच्छी बात होती। मान लो यार वो टेलोन फ्लेम को सिलेक्ट ना करता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन चार्जर होता, क्योंकि दोस्तों उस लैब में, प्रोफेसरों की लैब में सबसे पावरफुल पोकेमोन कोई था तो वो चार्जर था। तो दोस्तों अगर चार्जर आता तो हमको पता है वो इजीली डिफीट कर लेता मोल्टेस को, बिकॉज उसने पहले भी आर्टिकुनो जैसे पोकेमोन को हराया हुआ है। तो यार ये डिसाइड करता है, ये हम सबको बताता है कि किस तरीके से अपना चार्जर जो है मोल्टेस की हवा टाइट कर लेता, वो चार्जर जो है किसी भी लेजेंडरी बर्ड को आराम से हरा सकता है, ऊपर से मोल्टेस है, और हमको पता है कि चार्जर के लेवल के जो पोकेमोन होते हैं ना उनको देखकर चार्जर का गुस्सा जो है काफी तेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मेघमार तो याद ही होगा, मेघमार जो था एस के चार्जर से थोड़ा ज्यादा पावरफुल था, तो उसको हराने के लिए एस का चार्जर कुछ भी करने को तैयार था, तो उसी कारण की वजह से उसी की तरह मोल्टेस भी यार थोड़ा ज्यादा पावरफुल पोकेमोन था चार्जर के कंपैरिजन में, तो चार्जर पूरी जीत जान लगा देता, गुस्से में आता और आराम से मोल्टेस को हरा ही देता दोस्तों। ऊपर से सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यार एस के चार्जर को सबसे ज्यादा मूव आते हैं, पावर लेवल काफी ज्यादा है, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, जो कि हेल्प करता है मोल्टेस को हराने में, और ऊपर से चार्जर भी फ्लाइंग टाइप है और हवा में मुकाबला होता, और हमने देखा मेज में फ्लाइंग टाइप पोकेमोन ना होने के कारण मोल्टेस भाग गया। वो अगर चार्जर होता तो मोल्टेस नहीं भागता, चार्जर हमले पे हमला करता, ड्रैगन टाइप अटैक करता, दूसरे अटैक करता, उसको काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के अटैक आते हैं, जो कि दिखाता है कि एक के पास आराम से मोल्टेस आ सकता था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन, इसको क्यों चार्जर को सिलेक्ट करना चाहिए था इन्फिनिटी की जगह। आप भी मेरी बात से सहमत होते हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बतावे, आंसर दो, एंड मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।